पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, आग लगने से 3 लोगों की मौत। कूरेभार सुल्तानपुर में रविवार की शाम गोसाईगंज थाना क्षेत्र से होकर गुजरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से गाजीपुर जनपद की तरफ जा रही तेज रफ्तार बोलेरो कार जैसे ही गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अरवल खीरी गोसाईगंज थाना क्षेत्र में करवत एयर स्ट्रिप के पास पहुंची। इसी बीच तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे पर बने अस्थायी डिवाइडर से टकरा गई, जिससे अचानक कार में आग लग गई और कार धू धू कर जलने लगी, जिससे कार में सवार लोगों में से 3 लोगों की मौके पर जलकर मौत हो गई। सूचना पर कूरेभार थाना अध्यक्ष श्री राम पांडे व गोसाईगंज थाना अध्यक्ष संदीप राय मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करते हुए मृतकों के शव की शिनाख्त करने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में कूरेभार थाना अध्यक्ष श्री राम पांडे ने बताया कि मौके पर 3 लोगों के जले शव मिले, जाँच पड़ताल की जा रही है। टीवी इंडिया 18 न्यूज सुल्तानपुर से संवाददाता दीपक शुक्ला की खास रिपोर्ट।